हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एसक्यूएल का है और एसक्यूएल में हम कॉन्स्टेंट के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जो आपको बाध्य करे कुछ चीज़ों के लिए, लाइक अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप उस डेटा के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर पाएँ या फिर कुछ लिमिटेड चीज़ें ही एंटर कर पाएँ, इसे हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से क्वेरी डिजाइन पर आकर के इसको ऑफ कर देते हैं, यानी क्लोज कर देते हैं, और फिर यहाँ से आ जाते हैं एसक्यूएल पर। और यहाँ पर एक कोड मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ, ये कोड कुछ इस तरह का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है, तो ये लिख दिया क्रिएट टेबल, इससे तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, ये तो आपको पता है ही। यहाँ पर टेबल का नाम मैं दे देता हूँ, लाइक प्रोडक्ट टी, ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट टी, यानी प्रोडक्ट टी के नाम से ये टेबल बना रहा हूँ। टी जो है इसके लिए कीवर्ड का यूज, कीवर्ड के तरह से ये काम करेगा। अब यहाँ पर आईडी कर देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नॉट नल। अब जैसे ही मैंने नॉट नल किया आईडी लिख करके, और यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर देंगे कि ये फॉर्मेट क्या होगा, ये इंटीजर फॉर्मेट है, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने इंट कर दिया है, देख सकते हैं, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। और फिर कॉमा देकर के नीचे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसका डेटा टाइप मेंशन करना है टेक्स्ट, ठीक है, कॉमा दे देंगे और फिर यहां पर इसको हटा देते हैं, ये नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर नीचे आएंगे, अगर आपको इसकी प्राइस देनी है तो यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इसका डेटा टाइप, लाइक करेंसी डेटा टाइप मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। और अब हमें नीचे कोई भी वैल्यू नहीं देनी है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक हमें वैलिडेशन और देना है, एक चीज और बतानी है, वो क्या है, आईडी को बनाना चाहते हैं प्राइमरी की, ब्रैकेट के अंदर रखना है। और यहाँ पर आप इसको टर्मिनेट कर दीजिए और बस रन पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये टेबल आपकी बन गई है। अब ये कॉन्स्टेंट कैसे इसमें पता चलेगा वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आईडी है ना, आप इसको नल नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने कोड में लिखा था नॉट नल, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये जो है प्राइमरी की है, यानी कि ये रिपीट भी नहीं की जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट की आईडी, किसी प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लाइक 678 कर दिया, और यहाँ प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ कीबोर्ड, तो ये मैंने लिख दिया कीबोर्ड कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसकी प्राइस डाल देंगे, तो मान लीजिए 600 प्राइस है, तो ये प्राइस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं 678 को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूँ तो क्या ये रिपीट करने देगा हमें, ये रिपीट नहीं करने देगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे प्राइस डालेंगे, लाइक यहाँ पे देखिए 500 रुपए प्राइस डाल देता हूँ और नीचे जाता हूँ, तो ये हमें एंटर नहीं करने देगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यानी कि जो हमें बाध्य करे, जो हमें रोके डेटा की एडिटिंग से रोके, या डेटा में किसी भी तरह के फॉर्मेशन में हमें अगर कोई कंपल्शन होती है तो उसे कहते हैं हम कॉन्स्टेंट एसक्यूएल के अंदर। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।